अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम समरा बतूल एंड इट्स बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर क्लास एंड द सब्जेक्ट इज कैलकुलस 2 एंड टुडेज टॉपिक इज द रूट टेस्ट। इन्फिनिट सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, बल्कि इनफैक्ट अभी तक इन्फिनिट सीरीज का ही आपका टॉपिक चल रहा है और उसमें टेस्ट किए हैं कुछ लास्ट लेक्चर में, बेसिक कंपेरिजन टेस्ट, लिमिट टेस्ट, उसके बाद इंटेग्रल टेस्ट। लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें एक टेस्ट मैंने आपको करवाया था, द रेशियो टेस्ट, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में होंगे और उसके बाद है द रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या है? लेट्स मिशन ए एंड बी आर सीरीज विद ए एन इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव या ज़ीरो से बड़ी होंगी। फॉर एन इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन एंड सपोज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन थ्रूट ऑफ ए एन इज इक्वल टू पी, देन द सीरीज कन्वर्जेस इफ पी इज लेस देन वन, द सीरीज डाइवर्जेस इफ पी इज ग्रेटर देन वन और पी इज इन्फिनिट, द टेस्ट इनकनक्लूसिव इफ पी इज इक्वल टू वन, मतलब टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं आपको पता चलेगा अगर आपका पी इज इक्वल टू वन आ जाए। तो ये रेशो टेस्ट से काफ़ी मिलता है। रेशो टेस्ट में आप टू टर्म्स की रेशो फाइंड आउट करते हैं और उसमें भी वो जो उसका आंसर है लिमिट अप्लाई करने के बाद, अगर वो वन के से छोटा है तो वो कन्वर्जेंट है, अगर वन से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है, और अगर वन आ जाता है तो रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। इसी तरह रूट टेस्ट में भी ऐसे ही है, आपने रूट फाइंड करना है, nth रूट फाइंड करना है, देन उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। अगर आपका जो आंसर है वो वन से छोटा आता है तो आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, अगर वन से बड़ा आता है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अब बड़ा चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा आ जाए, इन्फिनिट आ जाए, तो आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होगी, और अगर इक्वल टू वन आ जाता है तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर आप सीरीज़ को डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है तो आपको कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक कंपेरिजन या लिमिट कंपेरिजन में से। रूट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस एंड विच डाइवर्जेस। पहला पार्ट है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ओवर टू रेज टू पावर एन। क्वेश्चन में जहाँ पे पावर्स में एन आ जाए तो वहाँ पे रूट टेस्ट यूज़ करना आसान आपके क्वेश्चन को आसान कर देता है। तो इसमें भी टू रेज टू पावर एन है इसलिए हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ओवर टू एन कन्वर्जेस, डायरेक्ट आंसर लिखा है। क्यों कन्वर्जेस है? क्योंकि आप इस पे टेस्ट अप्लाई करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन वन ओवर है। जब आप ये चीज़ फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये, साथ इस पे लिमिट भी लगानी है, फिर उसके बाद आपने पावर्स को अलग अलग कर दिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया क्योंकि एन और वन ओवर एन ने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे टू रह गया और ऊपर ये। अब ये जो एन की पावर वन ओवर एन है, जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इट इज़ इक्वल टू वन, जब इस पे लिमिट अप्लाई हो जाती है तो इट इज़ इक्वल टू वन। सो दैट इज़ वाई जो आपका लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन ओवर एन है उसका आंसर आ जाएगा वन ओवर टू विच इज़ लेस देन वन, सो दैट इज़ वाई योर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। दूसरा क्वेश्चन है टू एन ओवर एन का स्क्वायर, सेम इसी तरह लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन ओवर एन आप फाइंड करेंगे। सॉल्व किया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो जो आंसर आया आपका वो टू है, टू इज़ ग्रेटर देन वन, सो दैट इज़ वाई योर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। थर्ड पार्ट है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस एन की पावर एन, अगेन इसका एन थ्रूट लेंगे तो एन जो है पावर वो ख़त्म हो जाएगी, वन ओवर वन प्लस एन आ गया विच इज़ जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में ना लिमिट नहीं गिवन लेकिन आपने इस पर लिमिट अप्लाई कर लेनी है
ठीक है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होती है तभी ये जो है इस टेंस टू ज़ीरो, ये एरो जो है ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि लिमिट अप्लाई की है। व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये आपका ज़ीरो के इक्वल चला जाएगा, विच इज़ लेस देन वन, सो दैट इज़ वाई योर सीरीज कन्वर्जेस। अप्लाई द रेशियो टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। अब क्वेश्चन है जिसमें रेशियो टेस्ट, क्वेश्चन में ही आपको कह दिया गया है कि आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। रेशियो टेस्ट जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, आज भी उसको मैंने रिवाइज कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए अगर कहा गया है तो आपने उसी टेस्ट को अप्लाई करना है। तो रेशियो टेस्ट क्या था, ए एन और ए एन प्लस वन फाइंड किया और फिर रेशियो फाइंड की, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसमें वैल्यूज पुट की, फैक्टोरियल है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस टू का जो फैक्टोरियल है इसको लिखा जा सकता है ना, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस वन और फिर यहाँ पे डॉट है, मल्टीप्लाई और टू एन का फैक्टोरियल। अब टू एन का फैक्टोरियल नीचे भी है, टू एन का फैक्टोरियल ऊपर भी है, वो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ रह जाएगा ये टू ओवर टू एन प्लस टू, टू एन प्लस वन। इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल में एन है, सॉरी डिनोमिनेटर में एन है, ऊपर नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, विच इज़ लेस देन वन, सो द सीरीज कन्वर्जेस बाय द रेशियो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन वन टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल ओवर एन की पावर एन। अब इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि इसको वैसे यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो आपको कहा गया है कि आपने रेशो टेस्ट से ही करना है, लेकिन अगर रूट टेस्ट से करते तो ये किस तरह से सॉल्व होता, या प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि रेशो टेस्ट कहा गया, हम रेशो टेस्ट से ही सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रेशो टेस्ट से सॉल्व करना वैसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो जाता है फैक्टोरियल ना रेशो टेस्ट से। तो ए एन इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन रेज टू पावर एन, ए एन प्लस वन भी लिख लिया, रेशो फाइंड की, लिमिट अप्लाई किया और उससे फिर आपके पास जो है ये आ गई चीज़, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एन का एन की पावर एन एंड एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन की पावर एन। अब एन प्लस वन से तो हो गया कैंसिल, जो एन की पावर एन ऊपर था उसे हम नीचे ले आएंगे जी, एन की पावर एन जो है यहाँ न्यूमरेटर में उसको हम उठाकर नीचे ले आएंगे, और क्योंकि पावर सेम है तो बेसिस को इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, एन प्लस वन ओवर एन की पावर एन, इसको सिंप्लीफाई किया, वन प्लस वन ओवर एन लिख दिया ताकि लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आसान आ जाए, तो लिमिट जो है वो नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास जो डिनोमिनेटर में चीज़ बनेगी वो क्या होगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन, और ये ई के इक्वल होता है। सेकेंड ईयर में जब आपने लिमिट्स वाला चैप्टर किया था उसमें रिज़ल्ट प्रूव भी किया था, और अब तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने इतनी दफ़ा इसको यूज़ किया है आपको याद ही होगा। एंड इट इज़ इक्वल टू वन ओवर ई, ई जो है वो टू और थ्री के दरमियान में कोई वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली वन से छोटी वैल्यू आएगी, तो इट इज़ लेस देन वन, सो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने रेशो टेस्ट की हेल्प से ही सॉल्व करना है। समेशन वन टू इन्फिनिटी सेवन एन ओवर एन फाइव रेज टू पावर एन प्लस वन, ये ए एन है, ए एन प्लस वन क्या होगा, एन की जगह पे एन प्लस वन जस्ट आपने लिख देना है, और ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपका जो एन है सेवन एन और फाइव एन कैंसिल होगा यहाँ पर, और जी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन ओवर ए एन, इसमें वैल्यूज पुट की, अब ये यहाँ पर सेवन एन है और यहाँ पर सेवन एन प्लस वन है, जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास सिर्फ सेवन रह जाएगा, इसी तरह फाइव भी कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ जो है एन ओवर एन प्लस वन रह गया,
तो इसको आपने सॉल्व करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एन से डिवाइड कर दें। जब आप एन से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 आएगा, और इस तरह से फिर आपका आंसर 7/5 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो द गिवन सीरीज डाइवर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, अगेन रेशियो टेस्ट, ए एन लिखा, ए एन प्लस 1 लिखा, रेशियो इसकी फाइंड की, ए एन प्लस 1 ओवर एन, उसमें वैल्यूज़ पुट की और चेक किया कि क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी एन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या आप ऐसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन जिस तरह से भी आप करेंगे आपका आंसर जो है लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 आएगा। तो द रेशो टेस्ट फेल्स, क्योंकि अगर रेशो टेस्ट में यही है ना कि अगर आंसर 1 आ जाता है लिमिट अप्लाई करने के बाद तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है। तो हम रेशो टेस्ट की हेल्प से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें अब किसी और सीरीज़ की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा, टेस्ट की हेल्प से करना पड़ेगा, यानी हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो कंपेयर द सीरीज़ विद समीशन बी एन इज़ इक्वल टू 1/n, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपसे कहा था कि इसको किस तरह से चूज़ करना है। इस तरह से अगर फ्रैक्शन हो आपके पास एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, तो आपने एन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से बी एन को चूज़ करने की कोशिश करनी है। तो 1/n आपके पास आ जाएगा बी एन। अब क्या करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है आपके पास, और जब इसको कंपैरिजन किया तो आंसर आ गया 1, बट स्मिश अब यानी ये 0 के अलावा कोई आंसर है, 1 है आपका आंसर, कोई डेफिनेट नंबर। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर इस तरह से आंसर आ जाए आपके पास, कोई डेफिनेट आंसर आ जाए, तो आपकी दोनों सीरीज सेम बिहेव करेंगी, अगर इधर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। तो समीशन 1/n जो है हार्मोनिक सीरीज है, डाइवर्जेस, इट डाइवर्जेस, सो दैट इज़ वाई द गिवन सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन 1 to infinity 2n factorial over 4n। जब आप देखें कि ज़्यादातर जो रेशियो टेस्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो फैक्टोरियल वाले हैं, तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को रेशियो टेस्ट की हेल्प से सॉल्व करना ज़्यादा सूटेबल होता है, और जो जिनमें पावर्स इन्वॉल्व हों, पावर एन, तो उसमें फैक्टोरियल ना हो, सिर्फ पावर्स हों, तो उसको फिर हम जो है वो रूट टेस्ट से सॉल्व करते हैं, को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ए एन लिया, ए एन प्लस 1, रेशियो और लिमिट अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया, और ये चीज़ आपके पास आ गई 2n+2 मल्टीप्लाई बाई 2n+1/4। अब डिनोमिनेटर में n नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो जो मर्ज़ी कर लें आपका आंसर इन्फिनिटी ही आना है, आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हेंस द सीरीज़ डाइवर्जेस बाय द रेशियो टेस्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है समीशन 1 to infinity 2n/(n)(n)(n+2), रेशो टेस्ट की हेल्प से ही करना है, 2n और n(n+2) ए एन था, n की जगह पर n+1 पुट किया तो आपके पास आ गया 2n+1, n जो था वो n+1 बन गया, और n+2 n+3 के इक्वल आ गया। अब रेशो फाइंड की, सिंप्लीफाई किया, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि न्यूमरेटर में भी एन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी एन स्क्वायर आएगा, तो आपको जैसे आसान लगता है वैसे करें, आप मल्टीप्लाई करने के बाद एन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, या ऐसे ही एन स्क्वायर से डिवाइड कर दें जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, और उसके बाद लिमिट अप्लाई करें, विच इज़ इक्वल टू 2, लिमिट अप्लाई करके आंसर आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो दैट इज़ वाई सीरीज डाइवर्जेस बाय द रेशियो टेस्ट। जी, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, द ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज पहले क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती हैं,
एक पॉजिटिव वैल्यू, फिर एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो उसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ अगर आपके पास आ जाती है और आपने चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो उसके लिए हम टेस्ट कौन सा अप्लाई करते हैं, द सीरीज़ समेशन एन इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 यू एन इज़ इक्वल टू यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस सो ऑन। देखें यहाँ पर क्या चीज़ है, माइनस वन की पावर, माइनस वन की पावर आती है इसमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में। अगर ये इस टाइप की ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, इट कन्वर्जेस इफ़ ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, और वो कंडीशंस क्या हैं, द यू एंड्स आर ऑल पॉजिटिव, मतलब यू जो है वो खुद पॉजिटिव होगा, एक दरमियान में नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली आएगा ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की वजह से, लेकिन सारे यू जो हैं वो खुद पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ये नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी यू एन इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू यू एन प्लस वन। जो नेक्स्ट टर्म है सीरीज़ की, वो या तो छोटी हो या इक्वल हो, बड़ी नहीं हो सकती, अगर इसको कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग, तो नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए यू एन को। और यू एन टेंस टू ज़ीरो, मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हम ए एन करेंगे तो वो आपका ज़ीरो के इक्वल आए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन हम कहते हैं कि जी आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। तो इस टेस्ट को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ही आपका ये है कि बाय यूजिंग द ऑल्टरनेटिंग टेस्ट टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज़। अच्छा, उससे पहले दो डेफिनेशंस और हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल डाइवर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है, अ सीरीज समिशन ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्जेस। मतलब आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है और आप उसकी जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंसिडर करके एक सीरीज़ बनाते हैं, लाइक ऐसे समिशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो इट मींस आपकी ये सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, इसको बोलते हैं कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, राइट। और कंडीशनल कन्वर्जेंस के लिए क्या है, अ सीरीज़ दैट कन्वर्जेस बट डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली कन्वर्जेस कंडीशनली। मतलब एज ए ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो वो कन्वर्ज करे, मतलब अगर आप कन्वर्जन टेस्ट जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का है वो अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन एब्सोल्युटली वो कन्वर्ज ना करे, ऐसी कन्वर्जेंस को हम कंडीशनल कन्वर्जेंस कहते हैं। लेकिन अगर कोई एब्सोल्यूट, अगर आपको पता है कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो वो डेफिनेटली उसकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, ये एक मस्ट है। और इसका जो इन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूटली भी कन्वर्जेंट हो। जी, अब एक क्वेश्चन है, इफ़ पी इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, बल्कि इस क्वेश्चन से पहले ना ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ यूज़ करते हुए, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का जो टेस्ट है वो यूज़ करते हुए आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि जो सीरीज़ हैं कन्वर्जेंट हैं या नहीं है, सीरीज़ कन्वर्जेस और नॉट। तो समिशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है जिसमें ए एन जो है वो इसके इक्वल है। क्लियरली ये जो सीरीज़ है एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस 1, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये हो गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो छोटी आएंगी, मतलब अगर जब हम एन की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 ओवर 2, जब हम 2 पुट करते हैं तो 4 ओवर 5, ठीक है, 4 ओवर 5 जो है वो 1/2 से ऐसा होगा, आएगी छोटी वैल्यूज़। ये भी आपने टेस्ट चेक करना है, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन आपने अप्लाई करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, द सीरीज़ डाइवर्जेस सिंस द सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई,
इसलिए आपकी ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। जो आपका ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की कंडीशंस क्या थी ये मैं दोबारा से आपके आगे। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन थी सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो उसमें होल्ड करती है। सेकंड कंडीशन है आपकी सीरीज़ नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, उसमें वो होल्ड नहीं करती, सेकंड कंडीशन भी होल्ड नहीं करती। और थर्ड कंडीशन क्या थी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो ये भी होल्ड नहीं करती। लेकिन यूजुअली जब ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का आप टेस्ट करते हैं तो आप पहली जो है पहली और तीसरी कंडीशन को ही कंसिडर करते हैं, तीसरी को हम दूसरी का नाम दे देते हैं, दूसरी को एज सच आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब मुझे याद रह जाए कि मैंने पीछे दो क्वेश्चंस आप स्किप किए हैं वो करवाने हैं। अच्छा, समीशन वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन वन ओवर ई की पावर एन, ए हेयर ए एन इज इक्वल टू वन ओवर ई की पावर एन इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एन, कंसिडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, देन एफ एन इज इक्वल टू ए एन एंड ऑल्सो एंड सो एफ एंड ए एन बिहेव अलाइक। ठीक है, एफ एन और ए एन जो है वो एक जैसा बिहेव करेंगे, आपने उसी तरह लिया है, ए एन को आपने माइनस ई की पावर माइनस एन लिया है, माइनस नहीं, ए ई की पावर माइनस एन है और ई की पावर माइनस एक्स लिखा। अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये नॉन इंक्रीजिंग है, हम डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, देयर फॉर एफ इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, कंडीशन सेटिस्फाई होगी ऑन वन टू इन्फिनिटी एंड सो ए एन इज़ ऑल्सो अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर ई की पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो योर सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। इस क्वेश्चन में हमने तीनों कंडीशंस को चेक किया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तीनों कंडीशंस को चेक किया है लेकिन मेंशन नहीं किया। आप जो है ये यहाँ जैसे ई की पावर माइनस एक्स है, डेरिवेटिव लेके भी आप ये शो कर सकते हैं, जैसे कि इस सेकंड क्वेश्चन में किया, डेरिवेटिव लेके अगर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो आता है एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, तो आप किसी जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। ये आपने टेस्ट किए थे, सेकंड ईयर में भी किए थे और फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था ये टेस्ट। और इसके अलावा आप ये टेस्ट नहीं करना चाहते तो आप जस्ट वैसे ही लिख दें कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, वो कैसे आप लिख सकते हैं, आप नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड करके ई की पावर माइनस वन रखें, ई की पावर माइनस टू रखें, ई की पावर माइनस थ्री रखें, कुछ तीन चार वैल्यूज़ रखें और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यू तो फिर भी आ सकती हैं कुछ, लेकिन छोटी आनी चाहिए, सेम या छोटी नेक्स्ट वैल्यूज़, राइट। तो ये तीन कंडीशंस आपने चेक करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही गिवन था कि आपने ऑल्टरनेटिंग टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। अब ये जो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने टेस्ट द गिवन सीरीज फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इन तीनों के लिए आपने इनको टेस्ट करना है। उससे पहले हम जो पीछे दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे उनकी तरफ आते हैं। हाँ जी, इफ़ एग्जाम्पल है, इफ़ पी इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट द सीक्वेंस वन ओवर एन पी इज़ आ डिक्रीजिंग सीक्वेंस विथ लिमिट ज़ीरो, देयर फॉर द ऑल्टरनेटिंग सीरीज समीशन एन इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन ओवर एन की पावर पी कन्वर्जेस। ठीक है, ये वाली जो सीरीज़ है आपके पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ एन की पावर पी, अगर पी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये कन्वर्जेस होगी। कैसे, पी इज़ ग्रेटर देन वन के लिए तो ये कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि आपने ये प्रूव किया था पी सीरीज़ में कि पी इज़ ग्रेटर देन वन होगा तो आपकी ये सीरीज़ जो है इसके बगैर माइनस वन के बगैर कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली यानी कन्वर्जेंट है। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी कन्वर्जेंट ही होगी। अब ये चीज़ तो आपकी होगी प्रूव, आपने अब सिर्फ किसके लिए चेक करना है,
ज़ीरो से वन के दरमियान, अगर ज़ीरो से वन के दरमियान भी आप ये साबित कर देते हैं कि कन्वर्जेंट है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि पी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। हालांकि ज़ीरो से वन के लिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है कंडीशनली कन्वर्जेंट हो ज़ीरो से वन के दरमियान। अब कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए हम चेक करेंगे, ज़ीरो से वन के दरमियान पी आपने ले लिया 1/2 और ये आपकी सीरीज़ बन गई, यानी पी आपने स्क्वायर रूट ले लिया ना 1/2, ज़ीरो से वन के दरमियान नहीं आता है, और प्लस सो ऑन, और ये सीरीज़ जो है आपकी कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज़ है कंडीशनली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली ज़ीरो से वन तक नहीं कन्वर्ज करती, कंडीशनली कन्वर्ज करती है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, और पी से वन से बड़ी वैल्यूज़ के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो ये रिज़ल्ट भी इसको कह लें आगे यूज़ होगा, या आप इसको एज अ क्वेश्चन कंसिडर कर लें, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्लाइंग द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। फोर्स मिशन एन इज़ इक्वल टू 1 to ∞ -1 की पावर n+1 1/n का स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक करना है, सीरीज़ तो आपकी ये बनेगी, लेकिन आपने सिर्फ 1/n² को चेक करना है, 1/n² को, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यही होगी ना कि सारी पॉजिटिव है। तो हम समीशन 1 to ∞ 1/n² की सीरीज़ को देखेंगे, 1+1/4+1/9, ये कौन सी सीरीज़ है, पी सीरीज़ विद पी इज़ ग्रेटर दैन 1, इट इज़ कन्वर्जेंट। सो दैट इज़ वाई द गिवन सीरीज़, ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। द ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्जेस बिकॉज इट कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है, और जब आपको ये पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है, तो फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं बाकी रहती, क्योंकि ये आपने रिज़ल्ट अभी पीछे डेफिनेशन में ये पढ़ा कि जो सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट ही होगी, या आप इस तरह से कह सकते हैं। और लेकिन जो कंडीशनली कन्वर्जेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूटली भी कन्वर्जेंट हो भी सकती है, लेकिन अगर हो जाएगी तो फिर तो हम उसे एब्सोल्यूटली कह देंगे ना, फिर तो कंडीशनल नहीं कहने की ज़रूरत। लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 to ∞ sin n/n। ये क्वेश्चन भी पहले आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में किया था, 1/n से कंपेयर करके, और ये आपने बताया था कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। सॉरी, वो sin n/n का बताया था कि डाइवर्जेंट है, sin n/n² का नहीं, हमने कन्वर्जेंट प्रूव किया था। ये क्वेश्चन जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन के थे उसमें आया था, और उसको कंपेयर किससे किया था, 1/n² से। तो अब वो एज सच, क्योंकि वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं उसकी वर्किंग शो की हुई, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसको प्रूव कर दें कि ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो ये जो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी कन्वर्जेंट ही होगी। या इस तरह से जैसा यहाँ पर किया गया है कि sin n जो है इट इज़ इक्वल टू sin 1/1 sin 2/4, द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज़, ये आपके पास आगे विच कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन टेस्ट, समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 to ∞ 1/n² बिकॉज sin n इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1/n, द ओरिजिनल सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, देयरफॉर इट कन्वर्जेस। क्लियर, ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली ना मैंने दोनों बुक्स में से क्वेश्चंस आप को करवाए हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए हमारी, जो आपका कोर्स कंटेंट है वो थॉमस की बुक से लिए गए हैं, क्योंकि आपकी रिकमेंडेड बुक में भी थॉमस की बुक आती है। लेकिन थॉमस की बुक में ना ये मसला है कि फॉरेन ऑथर की बुक्स के क्वेश्चंस थोड़े समझने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, आप लोगों को उनकी आदत नहीं होती, उसमें उस तरह से स्टेप्स नहीं किए होते जैसे हम यूजुअली सॉल्व करते हुए करते हैं। तो इसलिए मैं उसको उसके क्वेश्चंस की बजाय जो है कुछ ऐसे म्यूसफ की बुक में से भी क्वेश्चन लेती हूँ, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, और थॉमस की बुक को साथ साथ चला रही हूँ कि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए।
ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इन्फिनिट सीरीज़ करते हुए आपने लेक्चर्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपको अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस पे कमांड हो जाएगी, आपको समझ अच्छे से आ जाएगी, टेस्ट की अप्लाई कैसे करनी है, क्या रिजल्ट्स एक दफ़ा सारे याद हो जाएंगे, टेस्ट के याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन दोनों में से किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले अगर आप इस तरह से करेंगे कि मैं यहाँ से करूँ यहाँ, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो लेक्चर्स ध्यान से सुनो, अपने नोट्स बनाओ, उनको प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद जो है आप अपनी फर्दर मोर प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी बुक कंसल्ट कर लो। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है सीरीज़, या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो क्वेश्चन है, समेशन 1 to ∞ साइन अंडर रूट एन ओवर एन 3+1, ये ही दो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद बल्कि दो भी नहीं, एक ही करवाऊंगी, एक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगी। मैंने आपको बताया कि लेक्चर जो है वो मैं नहीं करती, फिर उसको अपलोड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो समेशन 1 to ∞ साइन अंडर रूट एन ओवर एन 3+1, हेयर ए एन इज़ इक्वल टू दिस एब्सोल्यूट। सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट के लिए चेक कर लेना है, ए एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू देखी, साइन अंडर रूट एन ओवर एन 3+1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एन 3+1। ठीक है, तो ये सीरीज़ हमने चूज़ की। आप इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में जिस तरह हम सीरीज़ चूज़ करते हैं, उसी तरह बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में चूज़ करते हैं। तो ये सीरीज़ आपने चूज़ कर ली, और ये जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, और दूसरी सीरीज़ जो है वो उससे छोटी है, इसलिए वो भी कन्वर्जेंट होगी। हैंस द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। और जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है, सबसे पहले आपने एब्सोल्युटली के लिए ही चेक करना है। जहाँ आपको क्लियरली पता चले कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, वहाँ फिर आप आगे फर्दर चेक करेंगे कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अगर वो भी नहीं है, तो इसका मतलब वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इन्फिनिट सीरीज़ का ही आपका टॉपिक चल रहा है। अभी आपके दो जो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, वो मेरा ख्याल है इसी से रिलेटेड होंगे, इन्फिनिट सीरीज़ से। फिर उसके बाद सिर्फ आपका कॉनिक सेक्शन का रह जाएगा, वो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वो हम लोग सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है, और हम लोगों ने करना भी उसका थोड़ा सेलेक्टिव पार्ट ही है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।